मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम अ रॉन्ग साइन। तो पहली चीज जो कि हम एक रॉन्ग के साइन से सीख सकते हैं वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन इन द सेंस, सपोज करते हैं एक इंसान ने अपना रास्ता, अपना पाथ करियर का यहाँ से स्टार्ट किया और रॉन्ग का साइन उसे ये सिखाता है कि किस तरीके से अपनी दिशा को, अपनी डायरेक्शन को उसे बदलना आना चाहिए, उसे फ्लेक्सिबल होना आना चाहिए। जब कहीं दिखे कि इस करियर में मेरा फ्यूचर नहीं है तो करियर चेंज कर लो, इस बात से मत घबराओ कि अब आगे क्या होगा। घबराने से अच्छा है कि अपनी दिशा बदल लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस दिशा में कामयाब नहीं हो पाओगे तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, पर रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का मतलब होगा कि तुम आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, जो पॉसिबली तुम्हारे पास आने वाली थी, उन्हें गंवा दोगे। बहुत बिलियनियर्स ऐसे कहते हैं कि हम लक की वजह से बने हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच गए थे। वो इसीलिए पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि कब उन्हें अपनी दिशा बदलनी है, कि कब वो गलत जा रहे हैं और कब उन्हें यह एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो गलत गए हैं और अब उन्हें अपनी दिशा सही करने की ज़रूरत है, अपनी डायरेक्शन, करियर पाथ सही करने की ज़रूरत है। इसी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके आज वो वहाँ पहुँच पाए हैं जहाँ वो हैं, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके तुम भी वहां पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज जो हम एक रॉन्ग के साइन से सीख सकते हैं वो है स्टॉप। स्टॉप मतलब कि रुक जाओ, इसका सीधा सीधा साफ साफ अक्षरों में यही मतलब है कि रुको, सोचो कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। हर चीज में भागना जरूरी नहीं है, कभी कभार रुक के सोच के अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम आगे की अपनी प्लानिंग कहाँ खड़े होके कर रहे हो, किस पोजीशन पे हो तुम अभी, क्योंकि हर कोई आईना देखना नहीं चाहता, हर कोई ये नहीं देखना चाहता कि वो कहाँ खड़ा है, वो क्या गलतियां कर रहा है और कैसे लगातार उन गलतियों को दोहराए जा रहा है। इसलिए रुक के सोच के संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज ही से, अभी से थोड़ी देर रुको, सोचो, एनालाइज करो अपनी सिचुएशन को। अगर तुम गलत जा रहे हो तो अपनी दिशा बदल दो, क्योंकि यही समय है, यही वो मौका है, यही वो परिवर्तन का समय है, और अगर इस समय का तुम अच्छे से उपयोग कर पाए तो तुम्हें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।